पंजाब टीवी दे चैनल पंजाबी दे दर्शकों का जगतार सिंह सिद्धू वालों नजरिए दी डिबेट दे विच स्वागत है। सतलुज जमुना लिंक नहर की असारी ते दरियाई पानिया की वंड के मुद्दे नूं लैके पंजाब नूं शायद पिछले कई दहाकों बाद सब तो गंभीर चुनौती का सामना करना पै रहा है, वो भी उस वेले जदों इस वेले पंजाब दे विच पापूलर सरकार नहीं। पंजाबियों का कहना है, समुचे पंजाबियों का कहना है कि साडे कोले एक बूंद भी फालतू पानी नहीं है किसी होर सूबे नूं देण लई। साडा जिहड़ा धरती हेठला पानी है वह लगातार हेठां जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा पंजाब का किसान है उन्हें कणक ते झोने दे फसली चक्कर दे विच धरती हेठों बेथा पानी खिंचिया ते पूरे देश का पेट भरिया। महाराज का यह भी कहना है जे परिस्थितियां इंज ही बनिया रही तो वह दिन दूर नहीं जो पंजाब बंजर हो जाएगा। समय दियां हुकूमतां ने पंजाब की हिक ते SOL की लकीर बाज दित्ती। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत हुणे कह रही है कि लिंक नहर तो बन के रहेगी। नो माई लॉर्ड, पंजाबी इंसाफ की तवक्को रखते हैं। इस मुल्क का प्रधानमंत्री पंजाब की हिक ते पंजाब की धरती ते आके ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान वाल जांदा जिहड़ा पानी है वह पंजाबियों नूं दिता जाएगा। प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान तो जिहड़े अतवादी आ रहे हैं उन्होंने रोक लिया जाए तो काफ़ी है। पंजाब का पानी खोया जा रहा है, घट्टो घट साडे नाल मजाक ना करो। इन्हां सारे मुद्दों पर चर्चा चाहने लई मेरे नाल जिहड़े चैनल पर विशेष मेहमान हाजिर ने, जंगबीर जी, श्रोमणी अकाली दल ते डिप्टी मुख्यमंत्री साहब सुखबीर सिंह बादल उन्हां वल्लों स्पोक्सपर्सन, कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू ते बुलारे गुरविंदर बाली जी, प्रोफेसर मनजीत सिंह स्वराज बयान पार्टी के प्रधान, तिन्ने ही मेहमानों को मैं मुड़ जी आखदा। जंगवीर जी, जिहड़ी मौजूदा स्थिति बनी है जिस तो खास तौर पर हुण सिचुएशन उभर के सामने आई है, NLO ने ऐलान किया कि असी पंजाब की धरती से आके नहर पुट्टांगे, जो स्थिति बनी है उसनूं तुसीं किवें देखदे हो? देखो जी, ये गल तो तय है कि जिहड़ा INLD है इन्हें पोलीटिक्स की और पोलीटिक्स करना चाह रहे थे। कोई जाट अंदोलन भी चल रहा है हरियाणा च, वो तो शायद ध्यान बटाना चाह रहे थे, या अपनी उन्हां दी जिहड़ी अपना पार्टी सी उहदा मियार शायद घट हो गया है, तो उन्हों रिवाइव करन वास्ते उन्होंने SYL दा द्वारा ये करता कि जी असी जावांगे पट्टांगे। और स्थिति जिहड़ी सी जरूर तनाव हो गया सी पैदा, पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करांगा पंजाब गवर्नमेंट नूं जिन्हें बड़े अच्छे तरीके नाल इंश्योर किया है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही नहीं, बाकी बॉर्डर ही सील हो गए। बॉर्डर सील होने कारण नाल ये हो गया कि सिर्फ दीवारां नहीं बनाईयां, उत्तों हवाई जहाज अपना हैलीकॉप्टर तो भी मोनीटर किया और इंश्योर किया भी कोई भी यहोजे लोग जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर खराब कर सकते हैं उन्होंने पंजाब की धरती च वड़न ना दिता जाए। और ये पंजाब गवर्नमेंट बहुत सक्सेसफुल हुई है। अज का दिन मैं कहांगा पंजाब पंजाबियों वास्ते, देश वास्ते बड़ा अच्छी तरह पंजाब गवर्नमेंट ते पंजाब गवर्नमेंट का जिहड़ा पुलिस प्रशासन है उन्होंने अज का दिन पंजाब वास्ते संभाल लिया है। अज के दिन अपना स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। अपना शरारत कह लो कोई जी इन्होंने करने की कोशिश की है वो भी नाकाम कर दी गई। ओके, थैंक यू जंगबीर जी। बाली जी, इस मुद्दे पर तुम की कहना चाहोगे? देखो जी, गल है कि बिल्कुल भी उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स की, ना कोई हरियाणा की हित की गल सी, ना कोई पंजाब की हित की गल सी। न्यू सेंस क्रिएट करने वाली गल सी, आवाम नूं लड़ाने वाली गल सी, अपनी पॉलिटिक्स नूं चमकाने वाली गल सी। जे तुसीं इह कहो वी हरियाणा अगे वाले पंजाब दे विच अगे पानी लै जाणे, क्या इज इट पॉसीबल? ये हो सकता है? मैं कहना कि हुण मैं किहड़ा वर्ड यूज करा कि मूर्खां वाली गल है। लीडर लीड करते हैगे ने, लोगों नूं समझांदे ने, लीडरशिप होनी चाहिए उन्हां दे अंदर है जी। अपना हरियाणा तो खुद जल रहा वे इस चीज़ जाट अंदोलन दे विच, और असी पंजाब वाले पासे तुर पे कि असी पंजाब चो पानी ले जाएंगे। पानी तुसी कित्थे? इत्थे गवर्नमेंट है, इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन है, इत्थे लॉ है, इत्थे कानून है। मैनूं लगदा तुसी हरियाणा और पंजाब अपने हरियाणे का लॉ कानून तुसी ताकत रखता
तो तुम ये सोचो कि असी पंजाब दे विचों आके पानी ले जाएंगे तो पानी असी अगे लैके खड़े हैं तुहाडे वास्ते कि लो जी नहर खोद रहे हैं तो लै जाओ तुसी कोई गल नहीं कि बचकाना हरकत की मैं कहना इंडियन नैशनल लोक दल ने बचकाना हरकत कह सकता मैं इस चीज़ से कि बिल्कुल एक्सपीरियंस ही 20 साल तो सत्ता च नहीं है अगे भी 20 साल आने नहीं है जिदन की उन्होंने हरकत की है। बली जो तुम इस मुद्दे पर गल कर रहे हो मैं भी जानना चाहागा कि जो NLO है जिदा तुम क्या इन्हें हाशिए चलिया गया हूँ राजनीति कर रहा उपर आने लिए बिल्कुल मैं तो तुम कही गल कही राजनीति कर रहा सिर्फ टोटली राजनीति कर रहे बड़ा संयम के नाल चीज़ देखनी चाहिए कि 2 करोड़ आवाम ने साडे पंजाब दे लोकां ने वोटां पाईयां ने इस वेले इलैक्शन चल रहा है वे EM दे विच उहदे च सारी वोटां जिहड़ियां हैगियां ने उह बंद ने 11 तरीक तक का मार्च करना वेट करनी चाहिए सी 11 मार्च की आने वाली गौरमेंट की डिसीजन लैंदी उहदा फिर आपां नूं सुप्रीम कोर्ट के उत्ते माने सुप्रीम कोर्ट के उत्ते भी आपां नूं विश्वास करना चाहिए सी सेंटर गौरमेंट गौरमेंट ते भी विश्वास करना चाहिए बहुत सारिया चीज़ा ने कहने वाली कि आपां नूं हर्चा आपां लीड कर रहे हैं आपां लीडर हां जी जी इह तां बिल्कुल छोटी हरकत ओके बली जी मैं इन्हां मुद्दियां ते वापस आवांगा प्रोफेसर मनजीत सिंह जिहड़ी दोनों राज्यां दीआं सरहदां ते सिचुएशन पैदा हुई है जो NLO ने उहदे ते गेम प्ले कर रही है तुसीं की कहोगे देखो सब तो पहलां ते ये दो बड़िया ऑनरेबल पार्टियां दे इत्थे नुमाइंदे बैठे हुए हैं और उधर NLO है मैं ये कहना 60 साल का मसला पुराना पानी का 1955 च गुलजारी लाल नंदा जो इरीगेशन के पावर मिनिस्टर सी पहली बार ये डिवीजन पानी की उदों पाई सी जो ये धक्के पानी उदों लिया गया सी धक्का ही मैं तो कहूँगा क्योंकि ये पैसे भी देने सी अगली मीटिंग होनी सी उहदे च जिहड़ा 8 MAF पानी राजस्थान गया सी बीकानेर गया सीगा और कुछ 0.65 J&K को पानी MAF रह गया सी उहदा तो कोई गल नहीं क्योंकि उधरों पानी आउंदा करके पर इन्हां कोलों पैसे लैणा सी पंजाब उदों सांझा सीगा ठीक है जी दिल्ली नूं भी पानी नहीं सी जांदा साडा तो उन्हां तों पैसे लैण दी गल करनी सी कारण इह है कि उदों पहलां आजादी तो पहला 47 तो पहला राजस्थान पानी साडा जांदा सी वो सानू रॉयल्टी देंदे सी पैसे देंदे सी इनकलूडिंग नाभा जींद पटियाला रियासतां नू पानी ज्यादा जांदा सीगा पंजाब दा ते ये भी सानू पैसे देंदियां सी इस करके वो मुड़ के उदों तो लैके अज तक ये पार्टियां मैनू दुख ना कहना पैंदा कि पंजाब दे पानियां ते राजनीति होई है सारे पास्यों ते हरियाणे वाले भी कर रहे हैं उन्होंने भी इस तरह किया नहीं तो इस गल ते पुरजोर पंजाब की हालत इस वेले आ इको एक मंग है पंजाब की मैं लंबी कहानी नहीं जाऊँगा लंबी हैगी कि पंजाब दा पानियां ते पंजाब दे पानियां ते मलकीयत दा हक आ रिपेरियन प्रिंसीपल क्योंकि जो तो साउथ दा पानी वंडिया मद्रास प्रेजिडेंसी दा पानी वंडिया ते जदों आंध्रा स्टेट ते कर्नाटका बनी है ते उदों उन्हां नूं रिपेरियन हक दित्ते गए आ जो इत्थे पानी वंडिया सानू रिपेरियन नहीं साढ़े जिहड़े 1966 दे रीओरगेनाइजेशन एक्ट च 78 ते 80 धारा दे तहत साढ़े पानी का कंट्रोल दिल्ली च लै गए उदों क्यों नहीं असीं वड्डे वड्डे मोर्चे लाए 66 च अकाली दल ने नहीं लाए जी आपां एमरजेंसी विरुद्ध मोर्चे लाए उदों भी लगने चाहिए सी कोर्टां नूं चले गए इधर चले गए टाइम कीता बाद च दरबारा सिंह ने वो कोर्ट तों केस भी 1982 च वापस लै लिया जिहड़ा कि इन्हां नूं चैलेंज कीता सी इस करके पंजाब दी इस वेले जगतार जी 25 MAF थल्लियों जमीन तो पानी असीं खिंच रहे हां जदके रीचार्ज हुंदा 15 MAF मिलियन एकड़ फुट हाँ आप खिंच रहे जमीन थल्यों 10 MAF मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल वाधू खिंच रहे हैं पंजाब बंजर बन जा रहा इस वेले सिर्फ 27% कनाल इरीगेशन है पंजाब च जबकि बीकानेर दे विच हरा भरा सारा करता इतों का पानी जाके तो पैसा सानू कोई नहीं मिलता जे असी इन्हू ना रोकया इस वेले तो मैनू लगता पंजाब आने वाले 10-15 साल NASA की रिपोर्ट आ कि बंजर बन जाओ ओके जंगवी जी जिदा प्रशा ने इस इशू नूं खड़ा किया कि जिहड़ियां पहलियां सरकारां सी जिहदे च श्रोमणी अकाली दल भी शामिल हैगा उन्होंने जो जिम्मेवारी निभाई होंगी तो शायद नौबत ना आँदी रॉयल्टी की गल करते हैं जिदा धक्के नाल पानी खोया गया कहिंदे कि सवाए जिहड़ा अदालतों च जाण तों अमली तौर उत्ते कोई खासा विरोध नहीं होया। देखो जी प्रोफेसर साहब ने क्लीयर करता है बड़ा वधिया कीता श्रोताओं वास्ते तुहाडे व्यूअर्स वास्ते भी क्लीयर करता कि जिहड़ा ये पानी का मुद्दा है ये शुरू कैदा होया कांग्रेस ने शुरू किया हेलो हां जी सर आ रही आवाज
सर जी पंगू असी पैनल दे उते जिहड़ा सतलुज जमुना लिंक नहर दा मुद्दा उस नूं लैके गलबात कर रहे हैं इस वेले तुसीं बॉर्डर ते खड़े हो पंजाब ते हरियाणा दे असीं जानना चाहुंदे हां जी किहो जी स्थिति बनी हुई है पंगू साहब इस वेले बॉर्डर ते उत्थे ये सर बॉर्डर दे परले पासे एनएलओ वर्करां वल्लों रैली कीती जा रही है वड्डी गिणती विच लोक इकट्ठे होए ने जी ते संभावना लाई जा रही है वी कि घंटे के बाद उत्थों चाले पाउणगे ते इधर डीजीपी साहब दी अगवाई हेठ भारी हजारां दी गिणती विच पंजाब दी पुलिस तैनात है जी उधर कपूरी विखे वी मोर्चा लाया होया पुलिस ने ते कई सराला ते कई थावां ते होर नाके लगे ने ते पुलिस नूं पूरा तैयार कर दित्ता गया पर नाके लाए हुए ने इह सूत्रां तों पता लग्गिया वी हरियाणा पुलिस वल्लों उहनां नूं रोकण दा कोई प्रोग्राम नहीं जी करके इह यकीनी है वी उह हरियाणा पंजाब ते हरियाणा दे बॉर्डर दे नेड़े तां आ ही जाणगे ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ ਪੰਗੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨੈਲੋ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2000 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਓ ਪਟਿਆਲੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੀ ਵਧਣ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਸਰਦਾ ਦਾ ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 1/10 ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਯੂਸੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 1/10 ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਦ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਜੰਗਵੀਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੇਰ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਲਾ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਨੀਅਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨੀਅਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
आप अगर मुद्दे की गल करिए ना, अगर आप पब्लिक के इंट्रस्ट की गल करिए ना, आप पंजाब के लोगों की गल करिए ना, तो आप एलीगेशन तो पर हट जाएंगे, जो कि प्रोफेसर साहब ने यह गल कही है। मैं अकाली दल से एलीगेशन ला देना, अकाली दल मेरे से एलीगेशन ला देता, अपनी एलीगेशन की बिल्कुल भी कोई गल नहीं। असी तो सिर्फ इन्नी गल कहने, असी सत्ता चाहे सी लोगों की, अपन सुरक्षा चाहिए हैगी है, अपन नहर की पानी की सुरक्षा चाहिए है, किसानों की सुरक्षा चाहिए है, अपना पंजाब जड़ा है वो बड़ा खुशहाल होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। हाँ जी, जब साढ़े को पानी है ही नहीं, साड़ी नीयत दे विच इस चीज़ का फर्क सी कि जो इलैक्शन आएंगे उदो आप वेखांगे की होएगा। आप 10 साल के इस चीज़ के उत्ते जो इलैक्शन आ गए उस तो 1 महीना पहले फैसला आ गया। ओके बाली जी, मैं नीयत के मुद्दे तो इन्हों तो भी पुछांगा, पर जो सवाल यह पैदा होंदा है कि जो सारा केस जो जिदा कैप्टन अमरिंदर ने हेठां तो लैके गए केंद्र दे विच जी, ते कांग्रेस की सरकार सी, आखिर राष्ट्रपति दे हवाले होया सारा मामला, जब तक कांग्रेस दी केंद्र दी जिम्मेवारी, जब तक कांग्रेस दी सरकार हरियाणे च सी, तद तक पंजाब च सी, तद तक यूपीए सी, कै वजह फैसला आया जी कि इन्हां दे खिलाफ फैसला आया, जब तक साडियां तीनों सरकारां सी केस चलदे रहे, अज तक कुछ नहीं। सेंटर दी सरकार भी अज इन्हां दी, हरियाणे की सरकार भी इन्हों की, अलायंस भी इतने इन्हों का उत्ते फैसला आ गया जी जी। ये अगर असं कहने के अधिकार केंद्र को ने, तो क्या केंद्र ये अगर सेतु की आप गल करते हैं, दरिया की गल करते हैं, तुम पहले वर्ड से यह गल कही है, माने सिद्धू साहब तुम ये गल पहले कही है, प्रधानमंत्री जी आज गल कि करते हैं पाकिस्तान की, प्रधानमंत्री जी गल करते सिद्धू नदी की, अपने इतने आके हिंदुस्तान दे विच क्यों नहीं गल करते, अपने पंजाब च आके क्यों नहीं गल करते। ओके ओके, थोड़ा प्रश्न आ रहे, चलो जंग भी जी थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, जंग भी थोड़ा मैं क्या क्लेरिफाई कर लूं जी। अपना बिल्कुल वधिया कहा इन्होंने बाली जी ने कि नीयत बारे असीं कोई बहस नहीं कर रहे, कि नीयत सीगी असीं मानते नहीं, जो फैक्ट्स है सामने सामने फैक्ट्स है बिल्कुल जी, ओदे बारे कोई ना ही बहस दा विषय हैगा जी बिल्कुल। ते मैं तो यही कहना चाहूंगा, थोड़ा जिहा फैक्चुअली गल ए है कि जदों वो होया सी एब्रोगेशन ऑफ वाटर ट्रीटीज हुई yes. हैं वो तद हुई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस टाइम फैसला करन लगी सी तो देयर वाज अ कैटलिस्ट, एक कॉज सीगा, इस करके होया। तो इदा ही हुण भी फैसला होन लगा सीगा, एक कॉज सीगा, तद सरदार प्रकाश सिंह बादल ने रिएक्ट किया और असेंबली च यह सब होया और जमीन वापस हुई हैं। तो यह कहना गलत है, एक रिटोरिक है कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ए हो गया वो हो गया, ये नहीं है, ये सारी ये पिछे एक हिस्टरी होंगी है जी जी। तो इन्होंने वेले भी हिस्टरी सी, तो साढ़े वेले भी हिस्टरी सी, एक कॉज सीगा, वो कॉज करके वह अपना सोल्यूशन प्रोवाइड किया, इन्होंने भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया, तो असी भी टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटीज असी भी एक सोल्यूशन दिता है। ओके चंगवीर, थैंक यू वेरी मच। प्रेस साहब, मैं तो इन्नी गल ही कहना कि पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप नू इन्ना कि सानू क्रैडिट दे देना चाहिए कि इन्होंने पंजाबीयत की ज़्यादा एक सबूत दिता, ना कि अपने नैशनल पार्टी की लीडरशिप नू उदों उन्होंने फुल चढ़ाए, क्योंकि वह नहीं सी चाहते। इंदिरा गांधी खुद तिना स्टेटा के चीफ मिनिस्टरां नू, भजन लाल नू, दरबारा सिंह नू, ते उत्थे भी चीफ मिनिस्टर राजस्थान च भी कांग्रेस का सीगा, बिठा के दरबारा सिंह नहीं सी चाहता उदों कि एस वाई एल जां इहदा किसी दी गल नू मन्निया जाए, दबा पा के तू चीफ मिनिस्टर रहना कि नहीं रहना, है नहीं, ये गल जग जा रहा सारे पता है। तो उदो एक करवाया सी, पर मैं इस गल का इन्हों क्रैडिट दिने, इन्हों वधाई भी देनी चाहिए कि इन्होंने पंजाबीयत, पंजाबी, पंजाब नू बचाउण लई पंजाबीयत दे नारे दे थले सैक्रीफाइस की। उन्हें मैनू 6 महीने मुड़ के बुलाया ही नहीं सोनिया गांधी ने, उदो बाद अज अमरिंदर सिंह का बयान आ। तो मेरा ख्याल ये लीडरशिप तुसी बहुत चंगा किया, पर यह कंडे बीजे भी कांग्रेस ने सी, भावें तुसी तुहाडा उहदे च रोल सी जां सी पंजाब दी लीडरशिप का नहीं सी, पर कंडे बीजे सेंटर दी कांग्रेस ने ज़्यादा सी, वो उन्होंने अपने सो कॉल्ड नैशनल इंटरेस्ट। चलो आप बाली जी तो कमेंट्स, बाली जी इस मुद्दे तो कहना चाहोगे कि आखिरकार जो सारा पिछला जो स्यापा जो कंडे बीजे गए, इन्हों का कहना कि उसकी देन भी कांग्रेस वालों ही है। मानिए प्रोफेसर साहब ने पहले भी ये गल कही सी, मान सम्मान करते हैं उन्होंने, असी भी कंडे बीजे की गल, कंडे जी जे कंडा लग जाता तो कंडन का भी हैगा ना कि ऑपरेशन किया जाता, ऑपरेशन तो अज तक नहीं होया इस चीज़ का। हुण अगलियां सरकारां आणगियां, राती भी किसी डिबेट च सी ते इही गल होई सी, अगलियां सरकारां आणगियां, अगलियां सरकारां तक सारिआं नूं वेट करनी चाहीदी है, सर्वदलीय बैठकां होणगियां, गल्लां बातां होणगियां, उहनां दे सोल्यूशन लगणगे, आई श्योर कि पंजाब चो पाणी नहीं जाएगा। ओके बाली जी, मैं तुहानूं पिछले कंडे दी एक छोटा जिहा कंडा होर मैं चबाउण लग्गिआ बहस दे दौरान, उह है कि जदों जिहड़ियां सरकारां ने फैसला लिया, जिवें आपां BVM दी गल करिए, जिहड़ी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिहड़ा कंट्रोल है उसका कंट्रोल उस सरकार ने, वह जो 3 मैंबर वो टोटल, एक मैंबर इरीगेशन का, एक मैंबर पावर का, और चेयरमैन जोड़ा चेयरमैन है उन्होंने केंद्र लाइदा है। इरीगेशन जदों का जोड़ा बोर्ड बनया उदों का हरियाणा के हवाले, पंजाब में जोड़ा पावर दे के रखी है, सारा पानी तो पहले ही हरियाणा के हवाले कर रखे,
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚਲੋ ਓਕੇ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਮਰਡ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਬਦਲਤਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਟਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਯੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪ੍ਰਾਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਹ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਵਰ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਸਨੇ 1983 ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੀ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ 78, 79 ਤੇ 80 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈਗੀ 1966 ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚੂੰਟੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੰਗਵੀਰ ਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ 1966 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕੱਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਟ ਐਵਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1966 ਵਾਲਾ ਤਿੰਨੇ ਕਲਾਜ 78, 79 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਬਰੋਗਰੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡ ਆ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ ਵਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਨੀਏ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਅੱਜ ਮਾਨੀਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਬਾਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆਪਸ
ਸੁੱਖ ਭੁਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਚੰਗਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੰਗੋਵਾਲ ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨੀਏ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੀਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਚੰਗਵੀਰ ਚੰਗਵੀਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਚੰਗਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੂ ਚੰਗਵੀਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਲੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਵੈਸੇ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਨ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਸ ਹਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਮ ਜੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 1983-84 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1983 ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂ 84 ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਵਾਈ ਨਹਿਰ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕਈ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਅੱਜ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ INLD ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਮਾਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਔਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ 10,000 ਸਕੁਐਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗਾਂਵ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਲੌਜੀਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ
रोक लिया इतने नहीं आंदी जनता इतने की नहीं आंदेगी कांग्रेस पार्टी 100% एसी का सपोर्ट पानी नहीं जाते जंगवीर जैसे खास तौर पर एनएलओ लेके एलीगेशन लगाए मैं जरूर जवाब लेना सारी दुनिया जानती देखो जी ये हुण बाली जी बिल्कुल अनसबस्टेंशिएटेड एलीगेशन ते गलबात कर चलो एनी हो पहले इन्होंने कहता जी इन्हों का सांझ है फिर कहते जी बिजनेस का रिलेशन है फिर मैं केड़ा बिजनेस वो बिजनेस नहीं दस पा रहे फिर कह रहे भी जमीन का टुकड़ा दिता सी तुहाडे कोल राइट है पैसे दे के चीज लैन दा कि नहीं तुहाडे कोल है कि नहीं सिद्धू साहब तुसीं भी लै सकदे हो ना लॉफुली लिया ना 10 साल सुप्रीम कोर्ट ने उस पीस ऑफ लैंड पिछे केस चलिया सीगा जो चौधरी बंसी लाल आ गए सीगे गवर्नमेंट च तो उन्होंने वापस ले ली सी जमीन 10 साल सुप्रीम कोर्ट च केस चलिया कि लॉफुली दिती गई कि नहीं दिती गई सुप्रीम कोर्ट ने अपोल्ड किया कि जमीन लॉफुली दिती गई सी फॉर योर इनफॉर्मेशन क्लियर किया कि उन्होंने राजनीतिक संबंध साडे नाल तोड़े ने जी जी और असि इथों तक है कि जदों हुण अपना हरियाणा च भी अपना राज्यसभा की इलैक्शन हुई सी ते साडी जिहड़ी वोट सी साडे एमएलए ने साडी वोट सी कि वह असी अपना जिहड़ी बीजेपी दे अपना स्पोंसर्ड कह लो या जिहड़े कैंडिडेट सीगे उन्होंने दित्ती है जी जी ओके ते इस करके क्लियरिटी इस होनी चाहिए है कि और अकाली दल ने भी यह कंडेम किया है कि INLD जिहड़ा है ये पॉलिटिक्स कर रहा है और ये अपना दोबारा एक तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं और असी इस गल ते भी बड़ा सानू अपना हैगा कि इहो जिहा कोई माहौल ना हो जाए जिहदे नाल जिहड़े पहले पुराने जिहड़े दिन सीगे उह वापस आ जाए ओके जंगवीर आपां फिर आने प्रसाद तुसी काफी देर तो इंतजार कर रहे हो इस मामले ते मैं ते इन्नी गल कहिंदा कि बेसिक मुद्दा अजे ए हैगा कि की ए दोवें पार्टियां दे नुमाइंदे मानते आ कि पंजाब के पानिया के उत्ते पंजाब की मिलकीयत हैगी जेड़े रिपीरियन प्रिंसीपल के मुताबक जिड़ी कि साउथ नूं दिता गया तो सानू नहीं दिता गया और साढ़े पानिया का कंट्रोल दिल्ली चला गया जे तो दोवें पार्टियां मन दया वैसे चंगी गल ये पंजाब दे विच कि भावें 2004 सी तो भावें हुण सी जिहड़ा दिसंबर असैम्बली दे विच पास होया वापस देन दा जिहड़ा दा सारिया पार्टियां पंजाब दियां इकट्ठियां सी ये बड़ी चंगी गल सी क्योंकि जिहड़ा पंजाब दा पानी बचाओ आ वो कल्ले कल्ले बच्चे नूं पॉलिटिक्स तों उपर उठ के बड़े जंगी पद्धर ते इहनूं डिफेंस देना चाहीदा ते इह पार्टियां जिहड़ियां कर रहीआं आपां भंडदे जरूर आ कांग्रेस नूं पर जो कुरबानी निजी तौर पर राजनीतिक तौर पर सैक्रीफाइस करनी पई कांग्रेस नूं ते अमरिंदर नूं 2004 दे विच एब्रोगेट कर पुरानियां ट्रीटियां जिहड़ियां कि सुप्रीम कोर्ट कहिंदी है कि असीं नहीं इंज मन सकदे तुसीं जिहड़ियां मल्टी स्टेट ट्रीटीज़ आ उह इक स्टेट की असैम्बली पास करके किवें कर सकदी है इह उहदे ते लगदा उहदे ते कीता इन्हां ने पर देखो उहदे च पंज क्लाज नंबर 5 दे विच इह कह दिता कि जिहड़े पहले पानी फ्लो कर रहे आ उह करदे रहणगे इह नहीं सी मनणा चाहीदा इहदा मतलब उह 5 नंबर क्लाज नूं भी जिहड़ी 2004 दी ट्रीटी उह जिहड़ा एक्ट आ उहदे चों कढणा पऊगा मेरा ख्याल है कि अकाली वीर तो इस गल्ल नूं मानदे आ उन्होंने ऐतकी बड़े बड़े इश्तिहार भी दिते सीगे कि साडी मिलकीयत आ सिर्फ रॉयल्टी दी नहीं गल जी जी सानू जे रॉयल्टी जिहड़े उहदी मिलकीयत जे असीं मान लैने आ इहदा हल इह निकलू कि सानू 10 लख करोड़ रुपये की रॉयल्टी पुराने 50-60 सालों की मिलेगी जिहदे नाल पंजाब नूं असीं मालो माल कर सकदे ते सारी धरती ते किसानी नूं बचा सकदे प्रोफेसर बड़े अच्छे पॉइंट रेज कीते और इन्हां च ही अपना बाली जी जिहड़ा सवाल पूछ रहे सी वो इन्हां च ही आंसर च निकल आया वो गल ये है कि जिहड़ी कंप्लीट जिहड़ी एब्रोगेशन हुई सी वो प्रॉपर तरीके नाल जो उन्हां नूं समझ सी कि उस टाइम च उन्होंने कीती पर कंप्लीट प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया उहदे बाद जिहड़ा प्रेजिडेंशियल रेफरेंस होया सी प्रेजिडेंशियल रेफरेंस च भी जिहड़े पुछे गए सी सुप्रीम कोर्ट दे अगे दित्ते गए सी वो पंजाब दे अगेंस्ट सीगे क्लॉजेस उस बेस ते सुप्रीम कोर्ट ने हुण फैसला दित्ता है जे प्रेजिडेंशियल रेफरेंस से जे इन्होंने पहले वो पाया होंदा और जे प्रेजिडेंशियल रेफरेंस से पूछा जाता कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये ठीक है कि इन्हों की मलकीयत है
ये मलकियत दे उत्ते तुसी फैसला दे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जे ये क्लॉज पा देंदे प्रेजिडेंशियल रेफरेंस से तो संभव हैगा कि ये जिहड़ा केस हैगा ये पंजाब दे हक च ही फैसला होंदा। तो अज भी असी यही कह रहे हैं ये प्रेजिडेंशियल रेफरेंस नू आई थिंक रिव्यू कर लेना चाहिए है और जिहड़े प्रोपर क्लॉज विच पुछने चाहिए ने। दूजा ये हैगा कि जी अपना ये रिपेरियन राइट का जो प्रिंसिपल है इनू जिहड़ा है अपना पुछना चाहिए कि रिपेरियन राइट है कि नहीं है। जो हुण क्लॉज ही इहो जिहे होणगे जिहदे च पंजाब दे हक दे अगेंस्ट पुछा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तो वो क्लॉज़ ते ही फैसला देगा ना। यही होया तो हुण जद क्लॉज ही प्रॉपरली नहीं पुछे गए तो यही होएगा। हुण अज कल परसों भी देख लो पंजाब गवर्नमेंट ने अपना बड़ा अपना गंभीरता नाल दसकिया है कि असी जमीन वापस देती है, साढ़े कोल हुण जमीन है नहीं तो असी हुण ये बना नहीं सकते। दूजी गल ये है जी कि ये जिहड़ा अपना होया है अपना जमीन भी वापस दिती है ये वास्ते भी एक गल निकलन गया कुछ अपना अगे जाएगी गल ये हुण कोई पबलिक कॉज नहीं सीगा ये जमीन नूं लैण कोई पबलिक गुड नहीं सीगा ये हरियाणा दी वास्ते पाणी जाए तो जमीन साढ़े फार्मर दे ये पंजाब च पब्लिक कॉज की है पब्लिक गुड की है सो वी आर वेल विद इन आर राइट्स कि असी जमीन वापस ले ली है जी। और असी ये भी सजेशन दिता है कि तुसी पानी दो हरियाणा के जिहड़े सारे लोग ने साडे भरा भैन ने इस देश च रहिंदे ने इन्हां नूं जित्थों पानी फालतू है इन्हां नूं दे दो। ओके जंगवीर छोटा जिहा जिहड़ा जिदा इन्हां ने और इहदी भी स्टडी हुई है सिद्धू साहब इहदी भी स्टडी हुई है कि अपना ये जिहड़ा पानी है इंटरलिंकिंग बड़ी देर का चल रहा है और यदि स्टडी भी हुई है कि वो अपना हो सकता है संभव है। चलो ओके थैंक यू वेरी मच हुण लैने आ कि निकी जी ब्रेक। नजरिया दी डिबेट दर्शकों का स्वागत। बाली जी ब्रेक तो पहले इस मुद्दे ते तुसीं अपने कमेंट करना चाहते हो? हाँ मैं सिद्धू साहब सिर्फ एक ही गल करनी थी प्रोफेसर साहब ने भी कहा जंगवीर जी ने भी कही जी बिल्कुल मैं भी ये गल कह रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ जरूर गल है कि आपां पंजाब दा मुद्दा कोई भी हो साडा जिहड़ी साडी जिहड़ी गल है वह अलग अलग जरूर हो सकती है मगर पंजाब दे हितां दी जदों गल आएगी सारियां पार्टियां जिहड़ियां ने वह एक ने इस मसले। चलो थोड़े कमेंट्स आ गए जंगवीर तुसीं अपनी गल कहण तो पहला जिहड़ा इशू है मैं नहीं उहदे ते सवाल भी जरूर लैणा चाहांगा कि तुसीं दोनों लै सकदे हो कि जदों राजीव लौंगोवाल समझौते की गल आई है लगता नहीं कि एक इतिहासिक पुल हुई है क्योंकि उस समझौते चों सानूं मिलिया कुछ नहीं चंडीगढ़ गया साडे इलाके गए साडा पानी गया। देखो जी बाली जी ने भी ये बारे बोलिया अपन चलो पॉलिटिक्स से या पोलीटिकल गल् रिटोरिक जिन्ना मर्जी कर लिए पर जी ऑटोबायोग्राफीज आई हैं जी हिस्टरी लिखे किताबों दर्ज है वो यही है कि भुल जरूर हुई है अपना वो शख्स भी नहीं है सरदार सुरजीत सिंह बरनाला तो उन्होंने प्रोमिस किया गया प्रोमिस तो की सी अंकित भी सीगा अकॉर्ड होया कि चंडीगढ़ मिलेगा तो उन्होंने मैसेज आ गया भी जदों डेट कोल आई कि अज के दिन ट्रांसफर होना है उन्होंने मैसेज आ गया कि नहीं हो रहा अज ट्रांसफर नहीं हो रहा 15 दिन बाद महीने बाद होएगा तो उन्होंने तो जरूर मैं मानता भुल हो गई ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन या ही शुड हैव रिजाइन्ड कि केंद्र ने बिट्रे किया क्यों बस क्लियर है हुन इच हुन इस तो ज्यादा इते लिखा हुआ है ना हिस्ट्री च लिखा हुआ है किताबां च लिखा हुआ है तदी मैं बाली जी नु कह रहा सी भी चलो वो भी महरूम शख्स ने सरदार बरनाला ते राजीव गांधी जी भी नहीं हैगे ते राजीव गांधी ने नहीं दिता वो ही नोज टू द बेस्ट ऑफ हिज अपना क्यों नहीं दिता उहदे बारे आपां नहीं गल कर सकते पर उन्होंने बिट्रे कर लिया उन्होंने ये चीज मतलब बरनाला साहब कह लो या बरनाला साहब ट्रस्ट कर गए राजीव जी नूं कि ये बंदा जिहड़ा है ये बहुत अच्छा हैगा गलबात करन नूं होर नूं आई कैन ट्रस्ट हिम आई फील गुड विद हिम वो ट्रस्ट च ही बिटरे हो गए जी उन्हां दा मैं तो यही समझदा उन्हां दी कदी मंशा सीगी नहीं देण दी उन्होंने अकॉर्ड भी लिखा लिया सब कुछ कर लिया जदन फिर क्यों जदों ट्रांसफर दा दिन कोल आया फिर सेंटर पिछे क्यों होया। जंगवीर ये गल मैं भी जानना चाहूँगा कि जी सब तो ज़्यादा एस वी एल की जी कंस्ट्रक्शन हुई है वो सुरजीत सिंह बरनाला के समय से हुई है। देखो जी मैं तो यही कहूँगा ये बारे कि अपना मैं वो ही दोबारा गल कर रहा कि यह कितने ना कि बरनाला जी जे ना सेंटर नू या कांग्रेस नू ते स्पेशली गांधी फैमिली नू समझ नहीं सके ओके ते वो अपना गुड फेथ च उन्होंने काफ़ी कुछ करता जिहड़ा शायद उन्होंने नहीं करना चाहिए सीगा। बाली जी तुसीं मुस्करा रहे हो इस गल ते सच्ची गल है जी हिंदुस्तान जो चलता ना जी दुनिया चलती है ना वो कभी व्यक्तिगत एक बंदे तो नहीं चलती होंगी
उन्होंने बाद भी अल्टरनेटिव आते हैं उस तो बाद भी अल्टरनेटिव समझौते जो उस बाद नहीं नहीं मैं सरकार के समझौते एक प्रधानमंत्री ने किया उस तो बाद दूजे प्रधानमंत्री आए तीजे प्रधानमंत्री आए अज इन्होंने अलायंस मतलब कितने कोई तुसी ना रिटोरिक ना करो फिर तुसी रिटोरिक इसी को कानून दसो कि राजीव गांधी जी चंडीगढ़ क्यों नहीं देता पंजाब को सिर्फ गल दस हिंदुस्तान की जड़ी मर्जी डिबेट च ले जाओ अकालियां नु जड़ी मर्जी डिबेट ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ 10 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸੰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ नहीं जितों तक चंडीगढ़ का सवाल है अज का विशा नहीं है हूँ तो चंडीगढ़िया का ही इंट्रस्ट हो गया कि पंजाब नूं ना जाए बहुता मैनू ये लगता मैं आई विश के मैं गलत होव क्योंकि उन्होंने ये लगता कि इन्हूं मेनटेन करने लिए पैसा दिल्ली दे जाती है तो मगरों पंजाब गौरमेंट ने तो जमीन वे अपने बिल्डिंगा वेच वेच के काम चला रही है गहने रख रहा खिंची गई ना पक्की बार्डर की तरह नहीं नहीं एस वाई एल तो हूँ वह तो मुद्दा ये देखो ये तो खत्म है हूँ जो जमीन वापस प्रकाश सिंह बादल ने ठीक ही गल कही थी ना रहा बांस ना वजूगी बंसरी तो हूँ बांस ही तोड़ता पर लीगली ये अजे इन्ना सौखा मामला नहीं है लीगली जे देश दे विच असी रहना फैडरल ढांचे च रहना नहीं तो सीधी सीधी बगावत की निशानी है भी उधरों सुप्रीम कोर्ट कह रही है उधरों ताडे जिहड़े पुराने समझौते कह रहे जब तक जां ते असी उन्हां नूं लीगल तौर पर नहीं बदलाउंदे जां ताडी डिफाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहता कि तुसीं भावें आर्मी ला के करो भावें पैरामिलिट्री फोर्स ला के करो एस वाई एल बननी चाहिए है इहदा मतलब तो यह हैगा कि सानू इस गल ते सेंटर नूं भी ते सानू भी बड़ा सीरीयसली सोच चाहिदा कि कल्ला पंजाब नाल धक्का क्यों जो बाकी सूबियां नाल जो कोई बाकी अपना पत्थर कढ़दा वह सानू वेचदा जो कोई कोड़ा कढ़दा वह सानू वेचदा जो कोई होर माइका कढ़दा वह सानू वेचदा असीं पैसे दिंदे आ जिहड़ा साडा पाणी आ जिथे जे देखो रिपेरियन प्रिंसीपल का मतलब ही यह है कि जे नुकसान हो तो भी साडा जे फायदा हो तो भी साडा जो हाड़ आना तो भी साडा इस करके यही साढ़े को वेचण लिए एक चीज़ हैगी जिहड़ा चुप करके पानी ले जाते अजे ले जाण जो साडियां नहरां बन गई असीं देखांगे इहदा असीं साडे कोल पानी नहीं होवे असीं ना कर देंगे पर यह साडी मिलकियत का सवाल है ओके जंग भी जो पानिया के मुद्दे की गल करते हैं कि मुद्दा अकाली दल ने बिठाया वो है ट्रिब्यूनल का जे पहले यह तो निर्धारित किया जाए कि पानी है कि नहीं एस वेल की ता ही जरूरत पेगी जो पानी है ट्रिब्यूनल के मुद्दे पर तुम की कहना चाहोगे देखो जी ये तो असं सुप्रीम कोर्ट से किया ही है कि जोड़ा इरादी ट्रिब्यूनल से वो बाद दोबारा ट्रिब्यूनल बनना चाहिए बिकॉज लास्ट 20 ईयरस जेडे क्रॉप पैटर्न बड़ा फर्क होया ਇਹ ਕਈ ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਪ ਪੈਟਰਨਸ ਬਦਲ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 105 ਬਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ 400-300 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੋਪ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ 3.5 MAF ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 3.5 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 MAF ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਵਾਂਗੂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੂੰਦ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ 8.6
के दो MAF ते राजस्थान नूं पानी जा रहा ते इन्ना पानी दा तुसी ये कहो भी चलो जे जा ही रहा ते मुआवजे लई ते घट्टो घट लड़ाई तिक्खी होनी चाहीदी। ओके 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 तुहाडा व्यू पॉइंट आ गया। चंगी जी, पहली बार है जी अपना हिस्ट्री चे पंजाब चे अपना कि रेजोल्यूशन होया पास असेंबली ने कि अपना वी विल वर्क टू गैट कंपनसेशन। जी जी, जी रॉयल्टी की गल है वो असी शुरू करता है, वो प्रोसैस शुरू करता है कि वह कैलकुलेट की जाए कि रॉयल्टी है, वो वास्ते हूँ पंजाब संघर्ष करेगा। ओके जंगवीर जी, पंजाब संघर्ष करेगा। एक क्वेश्चन हो जो बाली जी ने भी रेज किया, जो तो केंद्र के अपनी सरकार हूँ तक हरियाणा च अपनी सरकार पंजाब च आप 10 साल तो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चंगे लोग मिल के बैठ के कोई हल कढ सकन, कोई लगता नहीं कहते थे कोई जो हल निकल सकता सी बैठ के? नहीं, वो तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके okay. क्योंकि हर जिहड़ी गवर्नमेंट है या हर जिहड़ा अपना प्रांत है वो अपने जो उहदे फेवर की गल है जो उहदे अपना लोग चाहते ने उही गल करेगा। वो पॉलिटिशियन भी मजबूर ने, जे हुण अपना इन्हां दी कांग्रेस जिहड़ी हैगी हरियाणा कांग्रेस है उहदा डाइवर्जेंट व्यू है, जिहड़ी अपना पंजाब कांग्रेस है वो डाइवर्जेंट व्यू है। सिमिलरली मैं ये भी कहना भी साडी जिहड़ी पंजाब BJP है उहदा डाइवर्जेंट व्यू है, वो कहिंदे पाणी नहीं जाए जिहड़ी वो BJP हरियाणा च वो कहिंदी पानी आए, बिकॉज वो लोकां जिहड़े लोकां नूं रिप्रेजेंट करदे ने वो उहनां दे जिहड़े ख्याल ने या उहनां दी जिहड़ी नीड्स है उहनां दे हिसाब नाल ही बोलणगे। तो इस करके साडे स्टेट ने ते असीं अपने अकाली दल ने ते असीं अपने साडे लोग ने असीं उहनां दी जिहड़ी है असीं नीड्स है वह असीं प्रोटेक्ट करनी है। तो इस करके आपां दूजिआं नाल की कर लांगे मिलके। थैंक यू जंगवीर। असीं अपने मेहमानां दे नाल जदों हुण इस वेले सतलुज जमुना लिंक नहर नूं लै के जिहड़ा अनिलो ने विवाद खड़ा कीता है ते सुप्रीम कोर्ट के जो मामला चल रहा है उन्हें मुद्दों नू लैके चर्चा की है, ये बारे साडे मेहमानों की भी कोई दौर है नहीं कि पंजाब को इस वेले फालतू पानी है ही नहीं किसी होर सूबे नू देण लई, और पंजाब पूरे देश अगे ते सुप्रीम कोर्ट अगे इस गल लई न्याय का हकदार रहेगा कि कम से कम पंजाब के पानियां नू ना खोया जाए किसी होर सूबे नू जिहड़ा हैगा सबजवार बनाउण दे लई। इन्हां मुद्दों ते चर्चा चाउण दे लई मैं जंगवीर जी, इस तरीके नाल कांग्रेस दे सर गुरविंदर बाली जी, प्रोफेसर मनजीत सिंह तिन्ने मेहमानों का धन्यवादी हैं। तो दर्शक जुड़े रहेंगे साढ़े बाकी के प्रोग्रामों नाल।